हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमानीस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ काजू केसर रबड़ी। तो इस नवरात्रि के त्यौहार के दरमियान आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये रबड़ी खाने में जितनी टेस्टी होती है, बनाने में उतनी ही आसान। तो इस नवरात्रि में आप उपवास के दौरान ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में रहे बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। अब हम इसे एक उबाल आने तक अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो हम इसे हाई फ्लेम पर ही गर्म कर लेंगे ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए और इसमें एक उबाल आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा दूध जो है वो उबलना शुरू हो चुका है। तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रबड़ी में दूध को ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ा करना होता है, तो हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे ऐसे ही उबलने देंगे जब तक कि ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और इस तरह हम उबालते समय इसकी जो क्रीम ऊपर आती है, यानी कि जो मलाई आती है, इसे हम ऐसे साइड पर करते जाएंगे। तो बस हमें इसे बॉईल ही करना है अभी, तो जब तक ये पूरा आधा ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा दूध अच्छी तरह से उबल रहा है। हमें इसे इस तरह से मीडियम फ्लेम पर ही उबालना है। अब हम इसमें 2 चम्मच जितना काजू और बादाम यहाँ पर मैंने क्रश किया हुआ है वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे फिर से उबलने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच जितना यहाँ पर मैंने केसर दूध में पहले से ही पिघलने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर ये केसर वाला दूध हमने ऐड किया और इसे फिर से मिक्स करके हम बॉयल होने देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से उबल रहा है। तो हम इसकी जो ऊपर से मलाई आ रही है वो हम इस तरह से साइड पर करते जाएंगे और लास्ट में हम इसे रबड़ी में मिक्स कर देंगे ताकि थोड़ी सी थिकनेस और ज़्यादा हो जाए। तो हम फिर से इसे उबालेंगे। तो 5 से 7 मिनट तक हमें ये सेम प्रोसेस करनी है। इसे उबाल लेंगे और जो क्रीम आती है उसको साइड पर करते रहेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक उबाल लिया है। तो अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच जितना शुगर यानी कि शक्कर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और अभी मिक्स करते समय हम ये क्रीम सारी जो हमने साइड पर करी थी पहले से वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे बॉयल कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर ऐड करेंगे और फिर से इसे मिक्स करके बॉईल कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी रबड़ी उबल कर एकदम परफेक्टली हो चुकी है और ये थिकनेस भी एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा थोड़ी थिकनेस पसंद करते हो तो 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट इसे और बॉईल कर दीजिए। लेकिन मैं इसे ऐसे ही कंसिस्टेंसी में सर्व करूँगी। तो आप इसे देख सकते हैं कि पहले हमने जो दूध लिया था वो उबल कर बहुत ही आधा हो चुका है और ये परफेक्ट दिख रही है हमारी रबड़ी। तो मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो आप इसे नवरात्रि के उपवास के दरमियान ये ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो रबड़ी की रेसिपी एकदम रेडी है। यहाँ पर मैंने गार्निश के लिए थोड़े से गुलाब के पत्ते और केसर से इसे गार्निश किया है और आप चाहे तो पिस्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे रेसिपी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर।